बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। हमारी अपील तोशाखाना केस के हवाले से उस सज़ा मौतली की दरख्वास्त, थोड़ी देर तक उसकी समाअत शुरू होगी। कल हमारे दलाइल, चाहे वो लीगल साइड पे थे या फैक्चुअल पॉइंट्स थे, उन पे दलाइल मुकम्मल हो गए थे। चाहे वो मेंटेनेबिलिटी पे थे कि किस तरह ECP ने जो है ऑथराइज करना था, प्रॉपरली ऑथराइज ना किया किसी भी एम्प्लॉय को, अगर बाद में ऑथराइज किया तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने ऑथराइज किया तो, लेकिन जो आइन का आर्टिकल 218 वो बड़ा क्लियर है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। दूसरी तरफ जो हमारे दलाइल थे लिमिटेशन के हवाले से कि इस केस ने फाइल होना था 120 दिन के अंदर, लेकिन केस को फाइल किया गया 1065 दिन के बाद, क्योंकि अगर हमने लिमिटेशन को काउंट करना है तो वो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के टाइम से जो है वो हम लिमिटेशन को काउंट करेंगे। तीसरी तरफ जो हमारे पॉइंट थे जुरिस्डिक्शन के हवाले से कि इस केस को प्राइवेट कंप्लेंट को फाइल होना था, कोर्ट ऑफ सेशन में किसी सूरत नहीं होना था, मजिस्ट्रेट के पास फाइल होना था, और इमरान खान साहब मियाँ वाली से MLA थे, अगर ये केस फाइल होता किसी सूरत तो मियाँ वाली में फाइल होता, इस्लामाबाद में इसका डायरेक्टर नहीं था। तो इसके बाद हमने जो हमारा हक दिफा ख़त्म कर दिया गया, हमें गवाहान पेश करने का मौका नहीं दिया गया, वो पॉइंट भी हमने सामने रखे, और आखिरी दिन 5 अगस्त को जिस तरह हमें फाइनल आर्गूमेंट्स का मौका ना दिया गया, उस पर भी हमने जो है वो कहा कि हमारे जो ख्वाजा हारिस साहब इसमें लीड काउंसिल थे, उनको उनके क्लर्क को किस तरह उठा लिया गया, वो अभी 12 बजे ट्रायल कोर्ट में पहुंचे ही थे, तो हमारा जो है फाइनल आर्गूमेंट्स का जो हक है वो भी ख़त्म कर दिया गया। 12:15 इस केस की फाइनल जजमेंट दे दी गई और 12:35 में इमरान खान साहब को गैर कानूनी फैसले में गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया और अटक जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं अदालतों में आते हैं तो सिक्योरिटी स्टाफ, अदालती अमला, और कल सुबह जब परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी हेयरिंग हुई तो ये बरमला कहा गया अदालत में कि इमरान खान जो है वो सच्चा है कि किस तरह उसको फिर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, इस केस में किस तरह ट्रायल कोर्ट ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। तो हमें अदालतों से उम्मीद है कि जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने जो गलती की उसको जो है ठीक किया जाएगा और आज इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल की जाएगी।